गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में हमारी इंग्लिश का 9th चैप्टर जस्टिस ऑफ खलीफ स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी की रीडिंग कंप्लीट करेंगे. आप ध्यान से सुनिए. ही वॉज एक्साइटेड एंड थॉट, वह बहुत उत्साहित था और सोच रहा था, आई हैव बिकम रिच, कि मैं अब अमीर हो गया हूँ. He knew that he was doing wrong. वह जानता था कि वह गलत कर रहा है. He took the gold coins to his home and hid them in the money box. वह सोने के सिक्कों को अपने घर ले जाता है और अपने पैसे के संदूक में छुपा देता है. He again filled the jar with the fresh olives and kept the jar in the same corner where it was previously kept. इसके बाद वह फिर से उस जार को ताज़े जैतून से भर देता है और उसे उसी जगह पर रख देता है जहाँ पर वो पहले रखा था. इन अब्दान महमूद वाज मेकिंग प्लान टू रिटर्न टू बगदाद. अब्दान में महमूद बगदाद वापस आने की योजना बना रहा था. महमूद रिटर्न टू बगदाद. महमूद बगदाद वापस आ जाता है. ही वेंट टू हिज फ्रेंड टू गेट बैक हिज ओलिव जार. वह अपने दोस्त के पास अपने जैतून का जार वापस लेने जाता है. हिज फ्रेंड फेल्ट नर्वस टू सी महमूद. उसका दोस्त महमूद को देखकर परेशान हो जाता है. ही प्रिटेंडेड एज एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. वह ऐसा दिखाने की कोशिश करता है या ऐसा नाटक करता है कि सब कुछ ठीक है. ही टुक महमूद टू द गोडाउन. वह महमूद को गोदाम में ले जाता है. महमूद टुक द जार टू हिज होम. महमूद अपने जार को घर ले आता है. ही टर्न द जार अपसाइड डाउन टू टेक आउट द गोल्ड कॉइन्स. वह जार को उल्टा करता है ताकि सोने के सिक्कों को बाहर निकाल सके. ही वाज शॉक्ड टू सी एज देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स. वह हैरान हो जाता है यह देखकर कि उसके अंदर सोने के सिक्के नहीं हैं. देयर वर ओनली ओलिव्स इन द जार. और जार के अंदर केवल जैतून ही थे. महमूद अगेन वेंट टू हिज फ्रेंड एंड प्लेडिड, My dear friend, I had kept 2000 gold coins in the jar before I left for Makkah. महमूद दोबारा अपने दोस्त के पास जाता है और पूछता है कि मेरे प्यारे मित्र, कि मैंने इस जार में कि My dear friend, I had kept 2000 gold coins in the jar before I left to Makkah. कि मैंने मक्का जाने से पहले इस जार में 2000 सोने के सिक्के रखे थे. द जार डज नॉट कंटेन द गोल्ड कॉइन्स. की अब उस जार में वो सोने के सिक्के नहीं हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न दैम टू मी. मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे वो वापस लौटा दो. इफ़ यू हैव बोरोड, अगर तुमने उन्हें लिया है. हिज फ्रेंड प्रिटेंडेड टू फील इंसल्टेड टू हियर दिस. की उसका दोस्त यह सुनकर अपमानित महसूस करने का ढोंग करता है. You, he said to Mahmood, वह महमूद से कहता है, You are trying to prove that I have stolen your gold pieces. कि वह महमूद से कहता है कि क्या तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे सिक्के सोने के टुकड़े चुराए हैं. You are slandering my name. तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो. Go away from here with your jar. कि अपने जार के साथ तुम यहाँ से चले जाओ. महमूद न्यू दैट ही हैड नो विटनेस फॉर हिज फ्रेंड्स डिसऑनेस्टी. महमूद जानता था कि उसके पास उसके दोस्त की बेईमानी का कोई गवाह नहीं था. ही कैप्ट क्वाइट एंड लेफ्ट द मर्चेंट्स होम विद हिज जार. वह चुप रहा और व्यापारी के घर से अपने जार के साथ चला गया. महमूद डिटरमाइंड टू सीक द हेल्प ऑफ द कैलिफ. कि महमूद ने खलीफा की मदद लेने का निश्चय किया. ही वेंट टू द खलीफ एंड टोल्ड द होल इंसिडेंट टू हिम. वह खलीफा के पास जाता है और पूरा जो वाक्या होता है, पूरी जो घटना है, उसे सुनाता है. ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर महमूद फ्रेंड ऑल्सो ऑन द फॉलोइंग डे. तो वह अपने उस दोस्त को भी
कि जो खलीफा होता है वह महमूद के दोस्त को भी अगले दिन वहां पर बुलाता है। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन बोथ महमूद एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द खलीफा कोर्ट। अगले दिन महमूद और उसका दोस्त दोनों ही अदालत में खलीफा के सामने पेश होते हैं। ही हियर्ड ईच पर्सन वन बाय वन, वह एक एक करके दोनों व्यक्तियों को सुनता है। When the turn of the dishonest friend came, कि जब बेईमान दोस्त की बारी आती है, he stepped forward confidently, वह बड़े आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। He was about to swear with his face toward Makkah that he spoke the truth, वह मक्का की तरफ मुंह करके कसम खाने के लिए खड़ा हो जाता है। As he was ready to swear, जैसे ही वह कसम खाने के लिए तैयार होता है, द खलीफ स्टॉप्ड हिम, खलीफ उसे रोक देता है। द खलीफ ऑर्डर टू ब्रिंग महमूद ओलिव जार इन फ्रंट ऑफ हिम, खलीफा महमूद के उस जैतून के जार को सामने पेश करने को बोलता है। देन ही कॉल्ड फॉर एन ओलिव एक्सपर्ट टू टेस्ट द ओलिव्स, तब वह जैतून के विशेषज्ञ को उसे चेक करने के लिए बुलाता है। टेस्टिंग द ओलिव्स, ओलिव जैतून को चेक कीजिए। द ओलिव एक्सपर्ट सेड, ओलिव के विशेषज्ञ, जैतून के विशेषज्ञ ने कहा, दे आर एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छे हैं। दे आर दिस ईयर्स ओलिव्स एज दे आर सो फ्रेश, कि यह इसी साल के जैतून हैं क्योंकि ये बहुत, जैसे कि ये बहुत ताज़ा हैं। द खलीफ सेड टू द ओलिव एक्सपर्ट, खलीफ ने जैतून विशेषज्ञ से कहा, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि आप गलती कर रहे हैं। महमूद फ्रेंड सेज दैट दीज ओलिव्स आर 10 years ओल्ड, महमूद का दोस्त कहता है कि ये जैतून 10 साल पुराने हैं। हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ खलीफ, खलीफ के ये शब्द सुनकर, द एक्सपर्ट सेड, विशेषज्ञ ने कहा, This is not possible, यह नहीं हो सकता। These olives are so fresh, ये जैतून इतने ताज़ा हैं। And moreover, olives rot after 3 years, और ज़्यादातर जैतून जो है 3 साल के बाद सड़ जाते हैं। The dishonest friend's face turned pale as he knew that he was caught. कि जो बेईमान दोस्त है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो पकड़ा गया है। ही सेड, वह बोलता है, द गोल्ड कॉइन्स आर विद मी, गोल्ड कॉइन जो सोने के सिक्के हैं वो मेरे साथ हैं। आई एम रेडी टू रिटर्न दैम, मैं उन्हें वापस लौटा देता हूँ, लौटाने को तैयार हूँ। प्लीज़ पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा कर दो। द खलीफ सेड, वन हु डज अ रोंग डीड हैज़ टू पे फॉर इट, कि जो कोई गलत काम करता है उसे उसका मूल चुकाना पड़ता है। बट पुट हिम इन प्रिजन, इसे जेल में डाल दो। महमूद गोट पैक द गोल्ड कॉइंस, महमूद को अपने सिक्के, सोने के सिक्के वापस मिल जाते हैं। द खलीफ टोट एवरीबडी ए लेसन हाउ टू गेट ट्रूथ आउट ऑफ द थिंग्स, खलीफ है उन्हें, उसने सभी को यह पाठ पढ़ाया कि किस तरीके से चीज़ों से सच्चाई को निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका 9th chapter है, उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी रफ नोटबुक में राइट करने हैं और उन्हें सेल्फ चेक करना है। थैंक यू।